हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे आज, और वो है कि टर्टल और टॉर्टॉइज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। टर्टल और टॉर्टॉइज़, हम इनको हिंदी में तो दोनों में हम कछुआ या कछुगा बोल देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, तो आइए स्टडी करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। गैलापागोस आइलैंड्स, ये जायंट टॉर्टॉइज़ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टॉर्टॉइज मिलते हैं, लगभग 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक लंबे टॉर्टॉइज, जायंट टॉर्टॉइज। तो गैलापागोस आइलैंड्स कौन से कंट्री का हिस्सा है, किस कंट्री का पार्ट है गैलापागोस आइलैंड्स? ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू या कोलंबिया? तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो ये अपने जहाज बीगल, इनके जहाज का नाम था HMS बीगल, उसमें बैठकर ये गए थे विश्व भ्रमण के ऊपर। तो इसी जहाज पर जो दूसरी यात्रा थी वो गैलापागोस आइलैंड में हुई थी, और वहाँ से ही बहुत सारी लर्निंग्स इन्हें मिली और इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी भी कंपाउंड की। तो देखिए, सबसे पहले ये टॉर्टॉइज है, ठीक है, और ये जो है इसमें ये टर्टल है। और ये जो मैं टर्टल, वैसे तो बहुत सारे तरह के टर्टल होते हैं, इंडिया में ही आपको बता देता हूँ 29 टाइप्स के अलग अलग टर्टल और टॉर्टॉइज मिलते हैं मिला के। तो बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं, बहुत अलग अलग स्पीशीज हैं। तो इनमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, ये टॉर्टॉइज है और ये टर्टल है। अच्छा, ये टर्टल कौन सा है? ये है ओलिव रिडली टर्टल। जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे टर्टल लिया है वो है ओलिव रिडली टर्टल, जो इंडिया में बहुत आसानी से पाया जाता है, खासतौर पर ओडिशा या जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है मोस्टली वहाँ पर पाया जाता है। सो ओलिव रिडली टर्टल है ये, राइट। इसके दो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और एक चीज़ आपने पहले नोटिस की होगी कि ये पानी के अंदर है, ये दोनों फोटोज जो हैं ये पानी में है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो टॉर्टॉइज होता है, ये टॉर्टॉइज है, टॉर्टॉइज जो होता है वो जमीन पे रहता है, यानी लैंड पे रहता है। लैंड पे रहने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, और जो ओलिव रिडली टर्टल होता है ये या तो एक्वेटिक होता है या मैरीन होता है। एक्वेटिक का मतलब होता है साफ पानी में रहना, राइट, जैसे नदी का पानी होता है साफ पानी। यहाँ पे साफ पानी से मतलब ये है कि जो खारा पानी ना हो, नमक वाला पानी ना हो। और मैरीन मतलब होता है समुद्री। तो या तो ये एक्वेटिक होता है या ये मैरीन होता है, यानी या तो नदियों में रहता है ये या फिर ये समुद्र में रहता है। ये सबसे पहला डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस जो आपको एकदम आसानी से दिखाई देगा, आप इसके ऊपर का शेल देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, जो कछुए होते हैं उनके ऊपर ये शेल होता है, राइट। तो कछुआ हम बोलते किसे हैं वैसे, ये किस तरह के जीव होते हैं? ये रेप्टाइल होते हैं। ये वो रेप्टाइल होते हैं जो, रेप्टाइल किसको बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जीवों को, जैसे सांप होता है, जैसे लिजर्ड होती है, यानी जिसे हम छिपकली बोलते हैं ना, छिपकली होती है या गिरगिट होती है, ये सब रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जीव। तो रेंगने वाला ये एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर एक शेल होता है, जिसमें ये, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ये शेल काफ़ी मजबूत होता है और हम इसको साइंटिफिकली कारापेस बोलते हैं। तो जो टॉर्टॉइज के ऊपर का शेल होता है या टर्टल के ऊपर का शेल होता है, इसे कारापेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप एक डिफरेंस देखेंगे कि टॉर्टॉइज का जो शेल है वो काफ़ी ऊँचा है, ये एक गुंबद के जैसा है। गुंबद यानी कि डोम, जो मंदिरों में ऊपर गुंबद होता है ना, ये उसकी शेप का है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है ये, और ये एक डोम शेप्ड है, काफ़ी बड़ा है, राइट। लेकिन अगर आप टर्टल का देखें तो ये काफ़ी फ्लैट है। आप, मैं यहाँ पे लाल रंग से दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये देखिए, ये जो टर्टल का शेल है ये एक हार्ट शेप है। अगर आप इसकी एक शेप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक हार्ट, जैसे हम हार्ट बनाते थे ना, वैसे हार्ट की असली शेप ये नहीं होती, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक हार्ट शेप का है, और अगर आप टॉर्टॉइज का शेल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक डोम के जैसा है और थोड़ा सा ओवल है, राइट। तो इसका शेल जो होता है टर्टल का, वो काफ़ी छोटा होता है, आप साइज में देख सकते हैं। वैसे भी टर्टल का साइज टॉर्टॉइज से छोटा होता है, जो टॉर्टॉइज है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, लेकिन जो टर्टल है वो छोटा होता है। और टर्टल का जो कारापेस है वो भी काफ़ी फ्लैट है, उठा हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी डोम शेप नहीं है, और काफ़ी छोटा है, हार्ट शेप है, राइट। ये दूसरा डिफरेंस होता है टर्टल और टॉर्टॉइज में। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस पे। तीसरा डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉर्टॉइज होता है वो एकदम प्योर वेजिटेरियन होता है, यानी वो फूलों की पत्तियां खाता है,
राइट ये सब खाता है तो वो प्योर वेजिटेरियन होता है, लेकिन जो टर्टल होता है वो पानी में रहता है, तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे एल्गे हैं या जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं मोलस्क वगैरह हैं उन्हें खाता है, यानी कि ये ओमनीवोरस होता है, ये पौधों को भी खाता है लेकिन ये फ्लैश भी खाता है यानी कि मीट भी खा सकता है। तो ये तीसरा डिफरेंस है टर्टल और टॉर्टोइस के बीच में। अब आते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें जो टॉर्टोइज है इसकी जो लेग्स हैं इनको देखिए, ये लेग्स जो हैं ये चलने के लिए बनी है जमीन के ऊपर, और पीछे वाली लेग भी आप देखिए ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, काफ़ी ये एक कर्व इनमें देख सकते हैं, काफ़ी भारी हैं ये टांगे क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसको ज़मीन पर रेंगना होता है, तो इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत अलग तरह की हैं। आप इसकी लेग्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एलिफेंट की लेग्स होती है ना, उसी तरह की, क्योंकि ये लेग्स बनी है इसका भार ढोने के लिए और इसको प्रोपेल करने के लिए। लेकिन अगर आप ये इसकी लेग्स देखें टर्टल की, तो ये तैरने के लिए बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे वाले अगर आप देखें तो वेब्ड फीट हैं, वेब्ड फीट और वेब्ड फीट हैं, और थोड़ा सा स्ट्रीम लाइनिंग मिलेगी आपको। स्ट्रीम लाइन जो होता है शेप, वो पानी को काटने में मदद करती है। तो जैसे मछली की शेप होती है, अगर मैं यहाँ पे एक मछली बनाऊँ, एक नॉर्मल जो मछली होती है, तो इसकी अगर आप शेप देखें तो आगे से ये इस तरह से है कि पानी को काटने के लिए बनी है, इसको स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो विमान उड़ता है और विमान की शेप भी आगे से पैनी होती है जिससे विमान हवा को काट सके। तो यहाँ पे जो इसके फ्लिपर है, इन्हें फ्लिपर कहा जाता है, जो टर्टल है, टर्टल के अगर आप देखें लेग्स तो बहुत अलग तरह के हैं, ये तैरने के लिए बने हैं। तो क्या टर्टल कभी भी ज़मीन पर नहीं आता? आता है। टर्टल लैंड पर आता है अंडे देने के लिए, यानी नेस्टिंग के लिए आता है, राइट। अंडे देने के लिए ज़मीन पर आता है, वरना जनरली ये ज़मीन पर नहीं आता है। और क्या टॉर्टोइस पानी में जाता है कभी? सिर्फ पानी पीने के लिए पानी के स्रोत के पास जाता है, वरना ये पानी में नहीं जाता है, जमीन पे ही रहता है, एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल होता है। तो ये डिफरेंस होता है टर्टल और टॉर्टोइस में। तो एक बार मैं थियरी पढ़ देता हूँ। टॉर्टोइस जो होता है वो ज़्यादातर अपना समय जमीन पर बिताता है, और जो टर्टल है वो पानी में रहता है। टर्टल जो होता है वो जमीन पर आता है सिर्फ अंडे देने के लिए। टॉर्टोइस का जो शेल होता है वो राउंड होता है और डोम शेप होता है, लेकिन जो कारापेस होता है, लेकिन जो टर्टल है, टर्टल का जो शेल होता है वो थिन होता है काफ़ी, और टर्टल का जो शेल है वो उसको स्विमिंग में मदद करता है। टॉर्टोइज के जो आगे के लेग्स होते हैं जिन्हें फोर लेग बोलते हैं, वो क्लब लाइक होते हैं और एलिफेंटाइन हाइंड लेग्स होते हैं, क्योंकि टॉर्टोइज बहुत बड़ा होता है और हैवी होता है, तो ये जो लेग्स होते हैं एक्स्ट्रा वेट को कैरी करने में मदद करते हैं। लेकिन जो टर्टल है उसके जो लेग्स होते हैं वो फ्लिपर लाइक होते हैं और वेब्ड फीट होते हैं, जो उसको पानी में क्रूज करने में हेल्प करते हैं। टॉर्टोइस जो हैं वो शाकाहारी होते हैं और ग्रास और लीफी वेजिटेबल खाते हैं, लेकिन जो टर्टल होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं और वो जेलीफिश, अर्किन, मोलस्क, सीवीड वगैरह खाते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो टॉर्टोइस होता है वो ज़्यादा साल जीता है, उसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन प्रत्याशा है, वो 80 से 150 साल है। और जो लाइफ स्पैन टर्टल का होता है, यहाँ पे टर्टल लिख लीजिए, लाइफ स्पैन जो टर्टल का होता है वो 20 से 40 साल होता है सिर्फ, राइट। तो टॉर्टोइज बहुत ज़्यादा जीता है, इनफैक्ट कुछ ऐसे कछुए हैं टॉर्टोइज हैं जो 250 से ज़्यादा साल भी जी सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत में कौन कौन से टर्टल और टॉर्टोइज वगैरह मिलते हैं? तो बहुत तरह के मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये 29 टाइप्स के टॉर्टोइज और टर्टल ये इंडिया में पाए जाते हैं। एक टर्टल जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है वो ये है, बटागुर कछुगा, इसे रेड क्राउंड रूफ टर्टल भी बोलते हैं, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे क्राउन है वो थोड़ा रेड कलर का है यहाँ पे, राइट। तो रेड क्राउंड रूफ टर्टल भी इसे बोलते हैं, और ये मिलेगा आपको नेशनल चंबल सेंचुरी में। नेशनल चंबल सेंचुरी भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, राइट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक टर्टल और बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आता है, वो है ओलिव रिडली टर्टल। तो ओलिव रिडली टर्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मास नेस्टिंग करता है ओडिशा में कई जगह पर। मास नेस्टिंग मतलब ये है कि लाखों ओलिव रिडली टर्टल एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे वो अंडे देते हैं, और ये अक्टूबर से अप्रैल तक का समय होता है जब ये मास नेस्टिंग करते हैं। तो ओलिव रिडली टर्टल ओडिशा में कहाँ पे करता है मास नेस्टिंग? एक तो करता है ऋषिकुल्या बीच पर, ऋषिकुल्या बीच, दूसरा एक देवी नदी है उसके मुहाने पर, यानी जहाँ पे देवी नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पे, और तीसरा है गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे एक बीच है जिसको बोलते हैं गहिरमठ बीच। तो ये 3 एरियाज हैं
जो सबसे फेमस है, जहां पे ऑलिव रिली टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं। सो ये था हमारा वीडियो डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टॉइज, और आई होप कि अब आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो में। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जरूरी होते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। बाकी अगर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी फैकल्टी वेरोनिका, उन्होंने बनाए हैं डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम हमारा फ्री क्रैश कोर्स है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप उसकी प्लेलिस्ट देख के सारे लेक्चर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी के देख सकते हैं। सो मिलते हैं स्टडी आईक्यू के बाकी वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।